हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यू अकेडमी। मैं चारों वाला आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ बीएड एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें हम बात करने वाले हैं पेपर टू की, जिसमें कि हम बात करेंगे कॉमर्स ग्रुप की। तो यह है आपका सेट डी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका लेबलिंग है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आवश्यक। नेक्स्ट है उत्पाद जीवन चक्र किसी उत्पाद के विक्रय इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं को जानने का प्रयास है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फिलिप कोटलर। नेक्स्ट है विलियम जे स्टांटन के अनुसार मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के चरण है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिक्स। आगे देखिए नेक्स्ट है भौतिक वितरण प्रणाली के कार्यों में सम्मिलित हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भंडारण परिवहन व स्टॉक निर्णय। नेक्स्ट है केंद्रीय भंडारण निगम की स्थापना हुई, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1957। आगे देखिए नेक्स्ट है सामग्री तालिका नियंत्रण में सम्मिलित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि कच्ची सामग्री अर्धनिर्मित सामग्री और निर्मित उत्पाद सभी इसमें शामिल है। नेक्स्ट है परिवर्तन मिश्रण में सम्मिलित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी व्यक्तिक विक्रय विज्ञापन विक्रय परिवर्तन एवं प्रचार। नेक्स्ट है अंतरिम अंकेक्षण किया जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्ष के अंत में। नेक्स्ट है अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लिखित। नेक्स्ट है आंतरिक नियंत्रण में सम्मिलित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्थिक गैर आर्थिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण। आगे देखिए तो सरकारी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सीएजी द्वारा। नेक्स्ट है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 44 संबंधित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अंश एवं ऋण पत्र की प्रकृति से। नेक्स्ट है एकल व्यवसाय की विशेषता क्या नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका अस्तित्व स्वामी से अलग होता है। आगे देखिए नेक्स्ट है साझेदारी अस्तित्व में आ सकती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कानून के तत्वाधान में। नेक्स्ट है कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है क्योंकि, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यह कानूनी प्रावधानों से अस्तित्व में आती है। आगे देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम उदाहरण है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सरकारी कंपनी संगठन का। आगे देखिए नेक्स्ट है सेबी SEBI ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे इसके बारे में बात की गई है SEBI है ना, ये सेबी जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका स्थापना हुई थी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1992 में। नेक्स्ट है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 अस्तित्व में आया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 सितंबर 1872। आगे देखिए नेक्स्ट है बिना प्रतिफल के अनुबंध है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अवैध। नेक्स्ट है एक नाबालिग के साथ अनुबंध है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अवैध। नेक्स्ट है पुष्ट पालन का अर्थ है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी व्यापारिक सौदों का हिसाब पुस्तक में रखना। नेक्स्ट है पुष्ट पालन के दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लुकास पैसियोली। नेक्स्ट है एक व्यापारी अपने यहाँ लेखांकन किस रूप में अपनाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वित्तीय लेखांकन। नेक्स्ट है खाता बही में लेन देन की खतौनी निम्न में से की जाती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रोजाना मचा वही। नेक्स्ट है लेखांकन समीकरण पुष्ट होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पूंजी बराबर शुद्ध संपत्तियां। आगे देखिए दोहरा लेखा प्रणाली का नियम पाने वाले को डेबिट एवं देने वाले को क्रेडिट लागू होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट है बैंक खाते का डेबिट शेष बताता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बैंक को देय रकम। नेक्स्ट है लटपट है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शेषों की सूची। आगे देखिए
नेक्स्ट है हर्ष के आयोजन का उद्देश्य है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है माल खरीदने से संबंधित व्ययों को किसमें दिखाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यापार खाते में। नेक्स्ट है अंतिम रहती हुए का मूल्यांकन किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लागत मूल्य पर। आगे देखिए वित्तीय प्रबंधन में मुख्य बिंदु है, इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, अंशधारियों का मूल्य सर्जन। नेक्स्ट है इनमें से क्या पूंजी बजटन निर्णय नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्कंद स्तर। नेक्स्ट है इनमें से क्या बड़े हुए रोकड़ प्रवाहों में सम्मिलित नहीं होते, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवसर लागते। नेक्स्ट देखिए अस्पष्ट लागत को कहते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवसर लागत। नेक्स्ट है दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार कब किया गया था, इसका आविष्कार किया गया था 1494 में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारत में कंपनी के खातों का अंकेशन कब अनिवार्य किया गया था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1940। आगे देखिए नेक्स्ट है अंकेशक कौन हो सकता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं दिया है, ये ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, तो इसका राइट आंसर होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, और अगर वो ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है लेखांकन प्रारंभ होता है जहाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुक कीपिंग खत्म होता है, ठीक है, जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहां पे लेखांकन प्रारंभ होता है। निम्न में से क्या समय को के प्रदर्शन से संबंधित नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समयकों का संपादन। नेक्स्ट है प्राथमिक समय द्वितीयक समयकों की तुलना में होते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अधिक विश्वसनीय। आगे देखिए निम्न में से किस चर को आप खंडित मानेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विभिन्न कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या। नेक्स्ट देखिए व्यक्तिगत इकाइयों में न्यायाधीश माध्य का कौन सा सूत्र सही है, इसमें जो सही सूत्र है वो है ऑप्शन बी। आगे देखिए घनत्व परीक्षण का प्रयोग होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, माध्य में। नेक्स्ट है सामान्य वितरण में, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है, ये परिभाषा किसकी है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फिलिप कोटलर। नेक्स्ट है विपणन अवधारणा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्पादोन्मुखी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकार्थी के अनुसार विपणन मिश्रण के पी है, तो इसका यानी पी एस यहाँ पे ये है ना, इसके बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4। नेक्स्ट देखिए उत्पाद विभिन्नीकरण तथा बाजार विभिन्नीकरण वैकल्पिक विपणन व्यूह रचना है, ये कथन किसका है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्मिथ का। नेक्स्ट और लास्ट का उत्पाद अवधारणा शब्द का सबसे पहले प्रयोग या उपयोग किया गया था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, थियोडोर लेविट ने, ठीक है, इसका सबसे पहले उपयोग किया था। इसके साथ यहाँ पे आपका पेपर जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा बाकी की जो वीडियोस हैं वो आ चुकी हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।